इसलिए आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरी मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में है और मैं कहीं चलते चलते आई वर्कड इन लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स इन दिस वर्ल्ड. आई वर्क फॉर कोका कोला, आई वर्क फॉर इन्फोसिस, आई वर्क इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब. एंड देन चलते चलते कहीं मैं ट्रैवलर बन गई. आई स्टार्टेड ट्रैवल ब्लॉगिंग वे बैक इन 2004, विच मेक्स मी अ वेटरन इन द ट्रैवल ब्लॉगिंग वर्ल्ड और इन द ब्लॉगिंग वर्ल्ड इन जनरल. आई हैव प्रॉबेबली द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्रैवल ब्लॉग इन इंडिया. इट्स कॉल्ड इंडी टेल्स. डज एनीबडी नो मी थ्रू माई ब्लॉग? नो. सो गो बैक एंड चेक. Anyways, so my journey from being a traveler, a leisure traveler, a corporate citizen traveling on weekends to, you know, break away from the work to becoming a pilgrim is the journey of last 15-20 years. And as a traveler who's walked across the length and breadth of this country, specifically in the temples and in the pilgrim routes, you know, teerth yatraen jo hamari hoti hain, वो करने का सौभाग्य मुझे मिला. और उससे जो मुझे ज़मीन से इंफॉर्मेशन मिली है, विच इंसिडेंटली कॉन्ट्रडिक्ट विद मोस्ट ऑफ व्हाट वाज सेड इन द सेशन स्टिल टुडे. हमने मंदिरों को एक दुकान बना के बता दिया है कि हम नंबर्स, काशी विश्वनाथ 4 करोड़ कमाता था, अब 110 करोड़ कमाता है. लेकिन मंदिर हम किसी की कमाई करवाने नहीं जाते हैं, मंदिर हम अपने पुण्य कमाने जाते हैं. सो पहले मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू और इवन हेयर पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पिलग्रिमेज एंड अ टूरिज्म? वन और टू की डिफरेंसेस बिटवीन पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म. एनीबडी सिटिंग अप देयर वांट्स टू से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म? तीर्थ यात्रा में और यात्रा में क्या अंतर है? तीर्थ यात्रा में जब हम जाते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जाते हैं. हम एक अंदर की जर्नी करते हैं, विच इज़ अ जर्नी इनवर्ड्स, विच जिसके लिए हमारे ग्रंथों में इंद्रिय निग्रह कहा गया है कि आप अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ कर लेते हैं. सो दैट द होल फोकस इज इनसाइड. व्हाइल इन टूरिज्म वी लेट गो ऑफ आवर सेंसेस, ईट मोर, हैव नो डिसिप्लिन इन स्लीपिंग, हैव नो डिसिप्लिन ऑफ एनी काइंड, जस्ट लेट गो एंड एन्जॉय एंड कंज्यूम. सो जो टूरिज्म इकोनॉमी आज की है वो बेस्ड है आपके कंज्यूमरिज्म पे. मेरा होटल है, आइए पैसे खर्च कीजिए, होटल से बाहर मत निकलिए, कुछ नहीं है बाहर, सब गंदगी है, निकल के जाइए. ये हमारी आज की टूरिज्म इकोनॉमी हम डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म रिकॉर्ड रिजॉर्ट्स एंड होटल्स को लेकर. बट उसमें आप क्या सीख रहे हैं? आपकी जो पिलग्रिम की जो नीड्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नीड्स ऑफ अ टूरिस्ट. In fact, I have a strong objection to all these luxury hotels coming in Ayodhya. मैं New Indian Express के लिए कॉलम लिखती हूँ and I had written and that Ayodhya can be a very good example of Indic model of pilgrimage. जो और हमारे पास उसके ऊपर हमारे पूरे ग्रंथ हैं जो हमें बताते हैं कि अयोध्या कैसे आप देख सकते हैं. पूरा अयोध्या महात्म्य है स्कंद पुराण में, और आपको अयोध्या जाके किस दिन जाके क्या करना है, there's a full तीर्थ यात्रा कैलेंडर. आप किसी भी महीने में किसी भी तिथि पे जाते हैं, उस पर आपको जाके क्या करना है. आज आपको वो कैलेंडर मिलेगा भी नहीं, आप पूरा अयोध्या खोज मारिए, आपको वो कैलेंडर नहीं मिलेगा. आई टेल यू, आई वेंट टू कुरुक्षेत्र अबाउट कपल ऑफ इयर्स बैक. वहाँ पर एक बहुत बड़ा गीता जयंती महोत्सव शुरू किया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज वहाँ पर गीता बोली गई थी. लेकिन आप पूरा कुरुक्षेत्र शहर घूम लीजिए, अदर देन द फेस्टिवल डेज यू वोंट फाइंड अ कॉपी ऑफ गीता. सो आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर फोकस टू द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटिवली इजी टू गेट, यू कैन गेट द बिल्डिंग्स, यू कैन गेट एवरी थिंग, बट वॉट अबाउट द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट अबाउट द स्टोरीज ऑफ दैट प्लेस? आप में से कितने लोग बहुचरा देवी गए हैं? ऊपर बहुचरा देवी कितने लोग गए हैं? यहाँ से 100 किलोमीटर से कम है. परसों मैं वहाँ गई थी. आई एम नॉट अ गुजराती पर्सन, आई डोंट स्पीक गुजराती, आई डोंट रीड गुजराती, और मैं सबसे पूछती रही इन देवी की कथा कहाँ है, इन मंदिर का स्थल पुराण कहाँ है. ये एक शक्तिपीठ है गुजरात का. तो सबने बोला ऑफिस में जाइए, गुजराती में शायद मिल जाए. नहीं मिलता. और यही कहानी दुनिया भर के मंदिरों की है. हमें वहाँ का स्थल पुराण नहीं मिलता, कौन देवता है, क्यों आए थे वहाँ, क्यों वहाँ विराजे हैं, उनके उत्सव क्या हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी ऋतुचर्या क्या है,
वो इन्फॉर्मेशन मेरे जैसे इंसान के लिए जो इतने मंदिर घूम चुका है और जो किसी से भी बहुत सी भाषाएं मैं बोल लेती हूँ भारत की, मुझे नहीं मिलती है तो एक आम आदमी को नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ खींचना चाहती हूँ कि हम तीर्थों पे क्यों जाते हैं। और जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, हमारे पूर्वज इतने अच्छे टूरिज़्म प्रोडक्ट बना गए कि जगन्नाथपुरी, विश्वनाथ, नाथद्वारा, तिरुपति बालाजी, इनको प्रमोशन की आवश्यकता ही नहीं है। प्रमोशन से तो आप वहाँ और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं उनको वहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सारे के सारे, जैसे गोवा में, मैं 8 साल तक गोवा में रहती थी, गोवा इज़ सफरिंग फ्रॉम ओवर टूरिज्म। बाहर से एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू गोवा, जबकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र लेकर केरल तक द कोस्ट इज सेम, एनीबडी कैन गो एनी वेयर विद अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एट द कॉस्ट ऑफ डिसअग्रींग विद ऑलमोस्ट एवरीबडी हुज बीन ऑन दिस डायस, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट, आर यू गोइंग टू अ प्लेस एज अ पिलग्रिम और एज अ टूरिस्ट? आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ हैव योर ओन एजेंडा, प्लीज़ हैव योर ओन दिस थिंग। बट जब आप पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, ये एक बहुत प्राचीन प्रथा, एक प्राचीन ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो उसके यम नियम है, जो योग के यम नियम है, वो तीर्थ यात्रा पर भी लगते हैं। महाभारत में कहा गया है कि तीर्थ यात्रा एक आम आदमी को, जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, जो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, जो वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकता, उसको वही फल तीर्थ यात्रा पे जाने से मिलता है। तो हम तीर्थ यात्रा पे पुण्य अर्जन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें, मुझे 5 स्टार का स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, मुझे वहाँ जाकर सरयू में स्नान करना है, मुझे बनारस जाके गंगा में स्नान करना है, स्विमिंग पूल में नहीं, ठीक है? और कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पे यू ऑल्सो नीड टू इवेल्युएट कि जो एक वेस्टर्न मॉडल ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग इन दिस ब्यूटिफुल रूम, बट आई डोंट नो इफ आई एम सिटिंग इन गुजरात एंड अहमदाबाद, इट कुड बी एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। सो वी नीड टू मेक पीपल फील दैट यू आर इन, लेट्स से, अयोध्या और काशी, एंड नॉट क्रिएट अ रूम सिमिलर टू लंदन इन अयोध्या। एंड लॉट ऑफ टाइम्स द आर्ग्यूमेंट गिवन टू मी इज फॉरेनर्स आएंगे। बिलीव मी, फॉरेनर्स कम विद लॉट ऑफ बिलीफ टू आर स्पिरिचुअल सेंटर्स एंड दे एक्चुअली एंड आर फॉलोइंग फार मोर रूल्स देन यू एंड आई डू। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, वॉट इज पिलग्रिमेज, वॉट इज टूरिज्म, एंड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। एंड जहाँ तक नेताओं का, गवर्नमेंट का सवाल है, वो हमारी वोट से चलते हैं। वेन वी डिमांड समथिंग फ्रॉम देम, दे आर बाउंड टू गिव इट। थैंक यू।